पीएम मोदी के एक पत्र ने हिला दिया कट्टर मुस्लिम देश कतर को। 8 पूर्व भारतीय नौ सैनिकों की फांसी पर लगी रोक, एक्शन देख कांप उठे मुस्लिम देश। कतर पीएम मोदी के आगे घुटने टेकने पर हुआ मजबूर, बदलना पड़ा अपना कानून। भारत की ताकत देख पूरी दुनिया में मचा हड़कंप, दुश्मनों को लगी मिर्ची। पीएम मोदी ने असंभव को भी संभव कर दिखाया, कभी न माफ करने वाली सजा पर कतर का पूरा सिस्टम हिलाया। ताकत देख पूरा देश बजा रहा ताली जी। जिस बात की आशंका थी आखिरकार वही हुआ, मोदी की ताकत के आगे कतर घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। कतर हाथ जोड़कर अब अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा है। मोदी ने कतर का पूरा सिस्टम हिला दिया है। कतर के साथ साथ 56 मुस्लिम देश भी पीएम मोदी की ताकत को देखकर सदमे में चले गए हैं। कैसे पीएम मोदी ने कूटनीतिक चाल चलते हुए कतर के संविधान को, कतर के कानून को ही बदलने पर मजबूर कर डाला, बताते चले कि आज तक कतर किसी भी देश के आगे नहीं झुका, लेकिन भारत के आगे वो झुकने पर मजबूर हो गया है। मोदी के इस मिशन में कोई भी देश शामिल नहीं रहा, ना ही पीएम मोदी ने किसी देश की मदद ली। मोदी ने अपने विदेश मंत्रियों के साथ कई बड़े अधिकारियों को इस मिशन पर लगा रखा था, जिसका परिणाम ये रहा कि कतर वो करने पर मजबूर हो गया जिसका अंदाजा दुनिया की किसी भी देश को नहीं था। कतर एक कट्टर इस्लामिक देश है, भारत के साथ इस देश के रिश्ते बड़े खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी नाम का खौफ उसके अंदर ऐसा बसा कि वो सरेंडर करने पर मजबूर हो गया है। मोदी की ताकत देखकर पूरी दुनिया में खलबली मच गई है, बड़े बड़े देश भी सलामी ठोकने पर मजबूर हो गए हैं। मुस्लिम देशों को सबसे बड़ा झटका लगा है, कई मुस्लिम देश कतर के साथ अच्छी दोस्ती के लिए जाने जाते हैं और भारत से उनकी दुश्मनी है। ऐसे में कतर का झुकना इन सभी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। कैसे 8 पूर्व भारतीय नौ सैनिकों की फांसी पर कतर ने रोक लगाई है, कैसे ये मामला बढ़ा, फिर कैसे ये मिशन कामयाब हुआ, अब इसकी पूरी कहानी को हम आपको समझाते हैं। बताते चले कि कतर की एक अदालत ने 26 अक्टूबर को 8 पूर्व भारतीय नौ सैनिकों की मौत की सजा सुनाई थी। इन रिटायर्ड पूर्व नौ सैनिकों पर जासूसी के आरोप लगे थे। निजी कंपनी अल दहरा के साथ काम करने वाले भारतीय नागरिकों को कथित तौर पर जासूसी के एक मामले में पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कतर ने इन सभी के ऊपर लगे आरोपों को कभी सार्वजनिक नहीं किया, न ही कोई सबूत दिखाने में कामयाब रहा। इन सभी की सजा पर कई जमानत याचिकाएं भी खारिज हुई, लेकिन पिछले महीने कतर की अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया और फांसी की सजा देते हुए सभी को फांसी की सजा सुनाई। इस सजा के बाद भारत में हड़कंप मच गया और हर तरफ इन 8 पूर्व नौ सैनिकों की चर्चा होने लगी। इनकी सजा के ऐलान के बाद में भारत के पूर्व नौ सैनिकों के अधिकारियों ने कहा था कि जिन नौ सैनिकों को कतर ने सजा सुनाई है उन सभी ने भारतीय सेना में 20 साल तक अपनी सेवा दी है और 20 साल की सेवा में कोई दाग नहीं है, मतलब ये सभी के सभी कार्यकाल में अपने बेदाग रहे हैं। मामला बढ़ता देख कई पूर्व भारतीयों की वतन वापसी हो गई। अपने नौ सैनिकों को बचाने के लिए पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से एक्टिव हो गए। कतर के कानून में किसी को एक बार फांसी की सजा दे दी जाए तो फिर उस पर रोक लगाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन मोदी ने ऐसी चाल चली कि कतर को अपना कानून तक बदलना पड़ा। अब ऐसे में खबर आई है कि कतर की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौ सैनिकों को दी गई मौत की सजा पर विचार करने और भारत की अपील को स्वीकार कर ली है। जानकारी के लिए बता दें कि मोदी और उनके अधिकारियों के प्रयास से कतर की अदालत ने बीते 23 नवंबर 2023 को फांसी की सजा को स्वीकार कर लिया है और अब अपील के जरिए जल्द ही इस पर सुनवाई शुरू करेगी। इन 8 भारतीयों में कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनुकार पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश शामिल है, जो पूर्व में भारतीय नौसेना में अपनी सेवा दे चुके हैं और वो कतर की एक निजी कंपनी में कई सालों से काम कर रहे थे। इन 8 भारतीयों की फांसी पर रोक लगाने में सबसे बड़ी भूमिका पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के साथ एस जयशंकर ने निभाई है। कुल मिलाकर भारत की ताकत एक बार फिर से पूरी दुनिया में देखी है। मोदी को भले ही पूरा विपक्षी दल घेरता रहे, लेकिन जब किसी विदेशी मसले की बात आती है तो विपक्षी और दुश्मन भी ताली बजाने पर मजबूर हो जाते हैं। एक तरीके से पीएम मोदी का एक और ऑपरेशन सफल हुआ। मोदी के इस प्रयास पर हर एक भारतवासी सलाम कर रहा है और ताली बजाने पर मजबूर है। पीएम मोदी के इस सफल ऑपरेशन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।